Welcome back to the Adla Badli special of Maruti Suzuki. Dancing Around Season 3. टेरेस की टोली की शर्मीली स्नेहा जी और माता गीता के लाडले अभीक दोनों इस हफ्ते हैं डीआईडी के गब्बर के हवाले। तो गब्बर की शरण में जाने के बाद कैसा है इनका जलवा जानने के लिए जोरदार तालियां हो जाए दिल्ली की स्नेहा जी और रांची के अभी। अभीक स्नेहा जी, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। स्नेहा जी, कैसा लगा इस बार आपको अभीक के साथ परफॉर्म करके? बहुत अच्छा लगा मुझे अभीक के साथ परफॉर्म करके। बस इतना ही कहेंगे? बाकी अभीक बताएगा कि उसे कितनी डिफिकल्टीज हुई हैं मेरे को लिफ्ट कराने में। एक्चुअली इतनी हल्की है ना, इसीलिए बहुत डिफिकल्टी होती है लिफ्ट करने में। और मैं भी बहुत यू नो बॉडी बिल्डर हूँ, तो इसीलिए और दिक्कत होती है। ये प्रॉब्लम है। क्या बात है। सो वैसे अभी आप हो गीता की गैंग के और आप हो टेंस की टोली की, लेकिन कोरियोग्राफी की है मास्टर रेमो ने। सो मास्टर रेमो से ही पूछते हैं। मास्टर रेमो, आप बताइए कि सबसे पहले कि आपको इनके साथ काम करके कैसा लगा और कैसा किया इन्होंने? सबसे पहले काम करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर एकदम डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस, डांस वाइज एनर्जी का भंडार स्नेहा जी और ग्रेस का भंडार अभीक। तो दोनों का मेल जो था वो इक्वली साथ में जाना चाहिए था। एंड स्नेहा, यू आर फैंटास्टिक। अभीक, सुपर बिया, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। मतलब लग रहा था कि कोई जो केमिस्ट्री जो चाहिए थी इस गाने के लिए, वो एग्जैक्ट मतलब करेक्ट केमिस्ट्री आप लोगों ने इस मंच पे लेके आया। फैंटास्टिक, थैंक यू सर, थैंक यू सर, सुपर। जो सबसे पहले देखा हमने वो दो शेडोज, और दैट वाज द बिगिनिंग। और फिर एंड में मिलाप जब इनका हुआ तो वो एक शेडो बन गया। एंड जो कॉन्सेप्ट था, आप लोग उसी तरह साथ में आए। एंड अभीक एंड स्नेहा, आप बहुत बहुत एक अच्छा और सुंदर कपल जिसको हम कहते हैं। यू ऑल मेक अ वेरी ब्यूटीफुल पेयर टुगेदर।
आराम से. But honestly, beautiful chemistry. और स्नेहा जी, आप ये पूरे एक्ट में शर्मा कर बहुत प्यार से ये पूरा एक्ट किया आपने. ये रूप आपका मैंने कभी नहीं देखा. और बेटा तेरा रूप तो मैं वापस जाके बताऊंगी कि कैसा था. ये रूप मैंने भी आपका कभी नहीं देखा. लेकिन ऐसे क्यों? ये मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे का असर है एक दूसरे पर. एंड आपने वो सारी चीज़ें की जो रेमो सर हमेशा कम पाते थे आपके दूसरे परफॉर्मेंसेस में. तो आई थिंक दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट बाय इटसेल्फ. एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू. You look lovely together. What a lovely performance. Thank you, ma'am. Very nice performance. अभी कुछ चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, especially the hit and melt moments जो थे ना, quick. उसमें बहुत sharpness की जरूरत थी और आप दोनों ने वो choreographically बहुत ही अच्छी तरह से किया. So that उतार चढ़ाव मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आपने वो कायम किया throughout the choreography. Especially जब वो एक section आया जब स्नेहा जी और अभीक वो इन एन एम्ब्रेस, ओके, वहाँ पर जो बात थी स्नेहा जी, मैंने किसी और कंटेस्टेंट, मेरे टीम के कंटेस्टेंट में नहीं देखी है. ये केमिस्ट्री थोड़ा कुछ ज्यादा ही था ना. हाँ, जनरली वो अच्छा करते ही हैं वो परफॉर्मेंस के लिए, बट दिस वाज मोर देन द परफॉर्मेंस. करेक्ट. कुछ है बता दो. शर्मा रही कितनी है देखो स्नेहा जी ने. सबको तो मेरी टीम में भैया बोलती है. मेरे स्टूडियो में तो कुछ ऐसा नो भैया. नो. वेरी नाइस. ग्रैंड मास्टर, लेकिन डांस की बात करूं तो एक जगह मैं जरूर कहूंगा, मैं सबके साथ सहमत हूं. The romance in your eyes, it was really something. It was very romantic act. बहुत दोनों ने बहुत अच्छा किया. अभी के लिए कुछ कहना नहीं है मैडम, आपके लिए जरूर कहूंगा कि yes, you have improved a lot. आप रही दूसरी बात, अभी मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैं आपसे कुछ कहूं वो मेरे पे अभी हक बनता है कि नहीं बनता है. ना दादा. I hate you. कुछ बोलना चाहती है? Love you, Grandmaster. Grandmaster हो गए. हाँ, naturally भैया तो बोल नहीं सकती. Anyways, whole act was very very romantic. क्या बात. क्या बात, किससे बात कर रही हैं आप? अच्छा भैया आप लोग बताओ यार, ये क्या मतलब? मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ. अच्छा चल देहरादून दा पहलवान, ये सच बताइए क्या है, क्या कहना चाहते हैं? मैं क्या बोलूँ अब? क्या बोलूँ मतलब, सच बोलो. यही सच है कि वहाँ जाके थोड़ी पतली भी लग रही है. उठाया भी नहीं है. तूने कब उठाया? अबे रोज सुबह कौन उठाता है? मैं जो जानना चाहता हूँ उसके बारे में बोलो. कुछ ना कुछ तो है दादा, हमने नोटिस किया है बहुत हफ्तों से. अब मुझे तू नेक्स्ट टाइम बता देगा? मैं बताते रहूंगा दादा आपको. भैया ये कमाल चीज है भाई, है ना? और आप दोनों भी कमाल हो. वेरी वेल डन. थैंक यू वेरी मच. आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं रेमो सर से कुछ बोलना चाहती हूँ. मैं रेमो सर को पहले जानती नहीं थी, बट आपके बारे में मैंने बहुत सुना है. फिर जब डीआईडी में आई आपको देखा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. और बहुत ही खुशी है कि आपके पास आने का मौका मिला. ऑडिशन में चाहती थी कि आपके, क्योंकि मेरे को हिप हॉप पसंद है तो मैं चाहती थी कि मैं आपके पास आऊँ, पर कंटेम्प्रेरी सीखने चली गई. वो भी बहुत अच्छा है, पर इस बार आपके पास आई बहुत अच्छा लगा. अगेन कंटेम्प्रेरी सीखा, पर आपसे मिलके और भी कुछ सीखा, वो बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. तो चलिए इसी बात पर जोरदार ताली हो जाए अब एक स्नेहा जी के लिए.
अगले हफ्ते डांस के सबसे बड़े मंच पे पूरा डीआईडी परिवार यानी सीजन वन, सीजन टू और सीजन थ्री के सारे सदस्य मिलकर सेलिब्रेट करने वाले हैं इंडियन टेलीविजन पर अपना 100th एपिसोड। डांस के सभी सच्चे चाहने वालों को डीआईडी परिवार की तरफ से इनविटेशन है, जरूर शामिल होएगा इस जश्न में। फिलहाल मिलते हैं शुरू से ब्रेक के बाद। India, dance, India, dance. Hey, hey. India.